Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट टू है दोस्तों। इसमें हम जितने भी टाइप्स के प्रोबेबिलिटी में लगभग क्वेश्चंस आते हैं उनके सारे के बेसिक्स हम समझ लेंगे कि कॉइन्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइस से और कार्ड्स जो कि हम प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे, ताश के पत्ते जिनको बोलते हैं, और कलर्ड बॉल्स। तो ये चार चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो जिनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और दोस्तों बिल्कुल भी भ्रमित ना हो आप, जैसे YouTube पे मैंने कई बार देखा है कई सारे वीडियोस हैं कि एक वीडियो में पूरा प्रोबेबिलिटी सीखें और ये सब जादू की छड़ी, ये सब इन सब चीज़ों में मत आएँ। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो फिर आप इसके आने वाले जो थर्ड पार्ट आएगा वहाँ से सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरी प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। तो ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम और डिटेल्स जानेंगे और थोड़ा चीज़ों को बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हम सैम्पल स्पेस निकालते हैं इन चारों केसेस में, जब हम हमारे पास दो कॉइन्स हों या चार कॉइन्स हों या डाइस हों, हमारे पास एक हो, दो हो, तीन हो या चार डाइस हों, तब हम सैम्पल स्पेस कैसे निकालेंगे। कार्ड्स के केसेस में समझेंगे कि कार्ड्स में किस तरीके के पत्ते होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बॉल्स देखेंगे, कलर्ड बॉल्स जो कि हम किसी भी बैग से निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स और कलर बॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डाइस के बारे में। तो दोस्तों देखेंगे आप कि सबसे पहले हम जाने कि आपने क्या जाना था एक डाइस के बारे में, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। डाइस मतलब कि उसमें हम देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना आप सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस मतलब जो कि टोटल आउटकम्स इसको हम बोलते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, यहाँ पे छः आ सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर कोई दूसरा डाइस है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी, वहाँ पे भी एक से लेके छः तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक डाइस एक बार में रोल करा जा रहा है तो वहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस सिर्फ छः रहेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना रहेगा, सिक्स रहेगा। परंतु जैसे ही हम दूसरा डाइस जिसका सैंपल स्पेस खुद का सैंपल स्पेस भी सिक्स है रोल करेंगे तो हमारे पास 36 आता है सैंपल स्पेस, ठीक है, 36 आता है। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है, अब इसको आप समझो, चलो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना, ठीक है ना। मान लीजिए अब इसके मैं लिख रहा हूँ टर्म्स पूरी सैंपल स्पेस, मान लीजिए पहली बार में एक आता है, सारी पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार में दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब देखो हम इसके पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस डाइस में एक आया है पहली बार में, तो दूसरा जो डाइस है उसके पास भी एक से लेकर छः तक हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दूसरे डाइस की, यहाँ पे हम देखें दूसरे डाइस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक से लेकर छः तक कोई भी डिजिट आएंगी यहाँ पे। तो मतलब अगर हम सिर्फ यहाँ पे एक रखें और यहाँ पे एक से लेकर छः तक ऑप्शन रखें तो पहला ऑप्शन आ सकता है कि भाई 1-1 आएगा, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है और 1-6 आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए सैंपल स्पेस यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 आउटकम्स हो गए यहाँ पे हमारे। और सेम प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे तो होगा कितना, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 और 2-1, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे 3 के साथ करेंगे तब भी यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने होंगे, 6 और फिर से 6 होंगे यहाँ पे भी सेम, फिर से यहाँ पे भी 6 होंगे और लास्ट में। तो अगर आप देखेंगे कि 6+6+6+6+6 और +6 और +6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं या तो 6×6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब दोनों के सैंपल स्पेस को हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो अब इससे हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि ठीक है भाई पेयरिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से सैंपल स्पेस बन रहा है अगर दो डाइस एक साथ रोल करे जाएं, ठीक है। अब मान लीजिए तीन डाइस हो या चार डाइस हो, तो अगर मान लीजिए हमारे पास तीन डाइस हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 6×6×6 कर देना है, ठीक है, ये 3 डाइस के लिए है। और सेम प्रोसीजर अगर चार डाइस हो तो हम क्या करेंगे, हम चार डाइस एक साथ रोल कर दें हम, तब फिर क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमें, 6×4 लगा देना है। तो जितने डाइस हैं एक साथ रोल हो रहे हैं
उनके साथ हमको उतनी ही पावर लगा देनी है। एक डाइस है तो 6 की पावर 1, दो डाइस हैं तो 6 की पावर 2, तीन डाइस हैं तो 6 की पावर 3, और 4 डाइस हैं तो 6 की पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सैम्पल स्पेस निकलेगा, तो 6 की पावर में जो भी जितने भी डाइस हम रोल कर रहे हैं उसको हम एन मान ले, तो उतने हमारा सैम्पल स्पेस निकलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक डाइस के रोल करने पे हमारे पास टोटल आउटकम्स जो होते हैं, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स नहीं बोल रहे हम, टोटल आउटकम्स जो होते हैं हमारे पास 6 आ सकते हैं, तो इसलिए हम 6 की पावर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक साथ 4 डाइस रोल करें, या फिर एक और चीज़ आती है इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। ठीक है, और दूसरी चीज़ होता है कि अगर एक के बाद एक इसी पहले ही डाइस को अगर मैं लेके आऊँ यहाँ पे, पहली बार रोल करूँ, फिर दूसरी बार रोल करूँ, फिर तीसरी बार रोल करूँ, चौथी बार करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन लगभग होती है, और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए एक क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, उस तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी सीखनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत तो सीखनी पड़ेगी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और बहुत आसान चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एनसीआर, जो फॉर्मूले लगते हैं एनपीआर, अब ये देखते ही आदमी डर जाता है, पर बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम बेसिक से समझेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो चीज़ों को कंबाइन करना, दो से अधिक चीज़ों को कंबाइन करना ना, तो अब जब भी कॉम्बिनेशन वाली बात आएगी, जब भी हमको कोई भी डिजिट्स या किन्हीं भी रिजल्ट्स को कंबाइन करना होगा, तब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि इनके कितने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जब भी कॉम्बिनेशन बनाना होगा इन रिजल्ट्स का, तब हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम बहुत आसानी से समझेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। आपसे खड़े खड़े कोई पूछ लेगा, आप एक्सप्लेन कर देंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। ठीक है, पर अभी जो यहाँ पे अभी क्वेश्चन जैसे जो बिना कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है कि अगर ये बोल दे कि चार डाइस रोल करें हमने ना, तो चारों डाइस पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब चारों डाइस का रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1 1 1। हम चारों डाइस एक साथ रोल कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट कब आएगा? ये अगर हम इसको बोलें इस ये वाला इवेंट कैसे कितनी बार होगा? सिर्फ एक ही बार हो सकता है ना कि जब चारों डाइसेस पे एक ही रिजल्ट आए। क्या हो? या तो 1 हो या तो 2 हो। 2 भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि 2 आए, या तो 3 आए, या तो सेम डिजिट आए। ऐसा बोलें कि चारों डाइस पे सेम डिजिट आए, तो वो केस कितने होंगे? 6 केस हो सकते हैं ना। या तो सारे डाइस पे एक आएगा, या तो सारे डाइस पे 2 आएगा, या तो सारे डाइस पे 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो अगर वो बोले कि चारों डाइस पे सेम डिजिट आए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 6। अगर वो बोले कि चारों डाइस पे सिर्फ एक आए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 तो एक ही बार आएगा चारों डाइस पे। ठीक है, तो ये हो गई एक कहानी। अब नंबर ऑफ इवेंट्स है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें हम दोनों की। पहले तो हम मान लें कि सेम नंबर है, मतलब सेम नंबर आना चाहिए, तो सेम नंबर 6 बार आ सकता है। ठीक है, 6 तरीके से आ सकता है, तो हमारे पास कितना है? 6 फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स, और सैंपल स्पेस हमें पता था 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 सॉल्व भी नहीं करना हमको, डायरेक्ट 1 6 से 1 6 काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का क्यूब, तो जिसको हम लिखते हैं 216। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो बोल रहा है कि सेम डिजिट का बोल रहा, मतलब सेम डिजिट का नहीं बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि 1 आना चाहिए चारों पे, या फिर 2 आना चाहिए सिर्फ, तो ऐसे तो सिर्फ एक ही एक केस बनेंगे, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट हम लिखेंगे 1, और मतलब ये फेवरेबल आउटकम है, सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम आ सकता है, और सैंपल स्पेस जो कि टोटल आउटकम्स है, हम उनको लिख देंगे 6 की पावर 4। तो ये सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब बाकी जो इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वो तभी शुरू हो सकते हैं कि जब हम प्रॉपरली क्वेश्चन करना ही शुरू कर दें। ठीक है, अब चलिए अगली चीज़ देखते हैं हम, कॉइन्स। अभी हम क्या कर रहे थे? कॉइन्स टॉस कर रहे थे। एक कॉइन्स टॉस करा हमने, 2 करे थे पिछले वीडियो में। अब हम मान लीजिए 3 करते हैं या 4 करते हैं, तो किस तरीके से उसको करते हैं? तो पहले 1 और 2 कॉइन का देख लें आप, यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए हम 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, सॉरी सैंपल स्पेस कितना होगा हमारा? सैंपल स्पेस देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब टोटल जो भी आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड हो या तो टेल हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा हमारे पास? एच हेड आ सकता है दोनों पे, या तो टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या तो फिर टेल और हेड आ सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि कितने थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 था,
और यहां पे हो गया 4। ठीक है, आप यहां पे भी आप देख रहे हो ना कि 2 की पावर n, जितनी टाइम भी हम इसको रोल कर रहे हैं उतने अनुसार ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये है एक कॉइन को टॉस करने में 2 है, तो 2 को 4 हो गया, 2 में करने हम 2, हमने 2 की 2 की पावर 2 करा तो हो गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। अब आगे अगर आप देखें कि 3 कॉइन्स रोल कर रहे हैं हम, 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं हम, तो ये हम मान लें ए और बी और सी। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से हम एलैबोरेट करके भी देखते हैं कि देखें मान लीजिए कैसे, अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कैसे कि 2 की पावर n, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 3 है, तो 2 की पावर n मतलब 8 आ गया। ठीक है, तो इसको 2 की पावर n भी याद मत रखो आप, इसका सैंपल स्पेस 2 है, इसका सैंपल स्पेस 2 है, इसका सैंपल स्पेस 2 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉइन्स थे तो दोनों का सैंपल स्पेस 2 था, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से हमने डाइस के केस में देखा कि सब एक का 6 है, दूसरे का भी 6 है, तीसरे का भी 6 है, चौथे का भी 6 है, 4 हैं तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि देखिए इसको निकालना कैसे, अगर मान लीजिए नहीं चल रहा दिमाग, नहीं कर पा रहे हम, कुछ नहीं समझ पा रहे, तो एक्चुअली क्या है, हो क्या रहा है, कैसे ये इतना 8 आ जा रहा है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आप देखो, पहला कॉइन अगर लेते हैं उस पर हम हेड चला रहे हैं, ठीक है, तो तीनों पे हेड हेड आ सकता है और तीनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, अब ये तो कहानी हो गई, एक इनको हटा दो, 2 को। अब देखें मान लीजिए हम पहले पे हेड्स रखते हैं, फिर दोनों पे टेल आ सकता है, ठीक है, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल ही है, अभी दूसरे का चेंज करा हमने सिर्फ, ठीक है, फिर दूसरे का हमने दोबारा, दो ऑप्शन बन सकते थे दूसरे पे, तो दोनों ऑप्शन चेक करे हमने, और यहाँ पे हमने टेल की जगह हेड रख दिया इसकी जगह। अभी इसी के साथ आप देखो एक और चीज़ कि यहाँ पे जो हेड था, अब पहले वाले पे हम हेड की जगह टेल रख रहे हैं, ठीक है, अब फिर दोनों पे हेड्स आ सकता है, दूसरे पे हेड आएगा, तीसरे तो दूसरे पे टेल्स आएगा और तीसरे पे हेड्स आएगा, और फिर हो सकता है कि दूसरे पे हेड्स आए, तीसरे पे टेल्स आए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना, तो उनको स्विच करते रहना हमको, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस आ जाता है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि आप देखो, आप अगर हम ऐसा बोल दें कि एटलीस्ट है ना 1 और 2 हेड्स, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं एटलीस्ट 1 और 2 हेड्स। तो अब देखेंगे हम कम से कम, सॉरी एटलीस्ट नहीं लगाना है यहाँ पे ना, 1 और 2 हेड्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो आप, 1 और 2 हेड्स मतलब या तो 1 हेड हो या तो 2 हेड्स हो, ठीक है, अब इसको एटलीस्ट करके भी करा जा सकता था, ठीक है, परंतु अभी मैं सिंपली बता रहा हूं आपको 1 और 2 हेड्स, तो आपको समझ में आएगा। तो 1 हेड कहां पे है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, 8 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आएगी हमारे पास, 6/8 मतलब 3/4, ठीक है। अब मान लीजिए वो ये बोल दे कि हमारे पास दो, मतलब हमारे पास सिर्फ हेड्स ही हेड्स आना चाहिए तीनों कॉइन्स पे, है ना, हेड्स ऑन 3 कॉइन्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऐसा केस का है एक ही जगह है तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दूसरा अगर टेल्स का पूछता है तो 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल सैंपल स्पेस पर केस एक ही है। तो ये इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में बनता जाए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब देखो आगे चल के तो हमको फॉर्मूलाज से ही करना है या जो भी चीज़ें हमको शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो पर हमको ये पहले हमारे ब्रेन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, जब ही तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी और आगे की चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब पैक ऑफ कार्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ कॉइन्स का हमारा इतना ही था, पैक ऑफ कार्ड्स समझ लो और क्या है। ठीक है, तो अब जैसे कॉइन्स पे एक और चीज़ बता दूं कि अब इस तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। ठीक है, आप खुद से बना लो कुछ भी क्वेश्चन कि भाई 2 टेल्स आने चाहिए या सिर्फ 2 हेड्स आने चाहिए, एटलीस्ट इतने हेड्स आने चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करे थे ना, तो उसी तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अगले से वीडियो से हम ना ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये बस आप अपने दिमाग में डाल लो और अगले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे जिनके थ्रू हम पूरी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो पैक ऑफ कार्ड्स समझें, अब देखो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। अब किस किस तरीके के कार्ड्स होते हैं ये समझ लें हम, और कितने कितने होते हैं, देखो 52 कार्ड्स हैं और 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं हमारे पास। कितने कितने रहते हैं, 13 रहते हैं।
अब हर एक पत्ते को हम क्या बोलते हैं और किस तरीके से ये यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्लब्स बोलते हैं जिसको हिंदी में शायद चिड़िया बोलते हैं, जो भी है। स्पैट्स है काले पान के पत्ते को बोलते हैं, हार्ट्स है लाल पान के पत्ते को बोलते हैं, और डायमंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, ये साइन देख लो आप, क्लब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये स्पैड्स, ये ब्लैक होते हैं और ये उल्टा हार्ट है, आप ध्यान दोगे तो। इसको हार्ट, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, पर ये उल्टा हार्ट है, ठीक है ना। इसको इसलिए पान का पत्ता बोलते हैं ना, और ये मतलब पान के पत्ते की आकृति का है, ये हार्ट नहीं है ना, तो इसलिए ये स्पैड्स है, ठीक है। इसके बाद ये हार्ट है, तो ये प्रॉपर हार्ट के शेप में ये सीधा है और रेड कलर का है। और इसके बाद है डायमंड्स, तो डायमंड्स मतलब ये रेक्टेंगल टाइप थोड़े से होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक होता है किंग, क्वीन, जैक, और इसके बाद होता है एस, ठीक है। तो किंग, किंग दिख रहा है साफ साफ आपको, क्वीन, सारे पत्तों में ये पत्ते ना, पत्तों का एलैबोरेट कर रहे हैं हम, क्या है ना। इसको बोलते हैं जैक, और इसको बोलते हैं हम एस, ठीक है। इक्का जो एक, इसको बोलते हैं हम इक्का। अब हिंदी में देख लें, ये होता है इक्का, ये होता है बादशाह, ये होती बेगम, और इसको गुलाम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के पत्ते रहते हैं, अब कितने पत्ते हुए, 1, 2, 3, 4, 13 में से चार पत्ते जो रहते हैं इनके नाम हैं, और बाकी के होते हैं नंबर्स, नंबर इन पे लिखे होते हैं, ठीक है ना, नंबर्स लिखे रहते हैं। तो कहाँ से शुरू होते हैं नंबर, शुरू होते हैं 2 से लेके हमारे पास 10 तक, ठीक है। तो क्या क्या नंबर हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है और किस तरीके से पत्ते बटे हुए रहते हैं। अब देखो, इस पे क्वेश्चन जो आएंगे ना, अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं 3 नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कार्ड्स का और क्या यूज़ किस तरीके से यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लैक कितने कार्ड हैं, 13 तो ये हैं ब्लैक, और 13 यहाँ पे हमारे पास ब्लैक, उन्होंने ब्लैक बोला है ना, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि क्लब्स होना चाहिए, स्पेड्स होना चाहिए, हर्ट्स होना चाहिए, डायमंड्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अब 13 और 13, तो नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं इसको ना, कितने हुए भाई, 13 प्लस 13, ठीक है ना, तो ये कितने हो गए 26। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सॉरी, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं इसको ना, फेवरेबल आउटकम है ना, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो सकते हैं, हमारे पास होंगे 52, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं है, फेवरेबल आउटकम, जो हम ऐसा आउटकम जो हम चाहते हैं हमारे फेवर में हो, ठीक है, तो वो कितने हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, देखिए 26/52, तो मतलब 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और देखो क्वेश्चन, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, ठीक है। अब वापस अगर हम जाके देखें तो क्वीन कितनी है हमारे पास, देखो एक पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, और चौथे वाले में, मतलब ये जितने भी पत्ते हैं, जो चार पत्ते मैंने आपको बताए थे कि एस, किंग, क्वीन और जैक, ये चारों पत्ते, इन चारों में मतलब ये चारों जगहों पे चार चार में नंबर में होते हैं, ठीक है ना, चार चार में नंबर में होते हैं ये, ठीक है, मतलब चार और चार का कॉम्बिनेशन रहता है इनका ना, 4/4, मतलब चारों जगह हैं और चार चार हैं ये पत्ते, इस तरीके के पत्ते, ठीक है। तो अब एक एक पत्ता अगर हम जैक का बोले तो चारों जगह एक एक पत्ता, तो मतलब चार पत्ते होंगे हमारे पास इसके, क्वीन के चार पत्ते होंगे टोटल, अगर हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पत्ते की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग के चार होंगे और एस के चार होंगे, ठीक है। तो अब उसने हमसे बोला है कि क्वीन, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट है ना, या फिर हमारा फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4, और सैंपल स्पेस तो हमारे पास हमको पता ही है 52 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो कितनी होगी, 4/52, तो ये होगा 1/4 से भाग चला जाएगा ना इसमें, 13 बार जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1/13 आंसर, ठीक है। अभी चलो अगली चीज़ देखो, द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग,
अब इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर आप समझ गए इस वीडियो में, तो आप समझिए कि आगे आप कार्ड के क्वेश्चन अच्छे से समझने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन अभी कराना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि पहले हम ये चीज़ समझ लें ना, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन मैं समझाऊंगा ना आपको, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नाइदर अ स्पैड नॉर अ किंग, ठीक है ना। अब एक मिनट, स्पैड यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, स्पैड्स ये हैं जिसको हम काले पान का पत्ता बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे, है ना, और 13 पत्ते हमारे पास स्पैड्स में, और उसमें एक किंग भी है ना। तो हमारे पास टोटल, हम पहले तो स्पैड्स और किंग जोड़ें, पहले हमारे पास स्पैड और किंग जोड़ें कितने होते हैं टोटल, ठीक है। तो उसने बोला कि 13, तो हमारे पास 12 मान लो, ठीक है, 12 यहाँ तक अगर हम इक्के को नहीं भी जोड़ें तो 4 हमारे पास इक्के हैं या फिर एस हैं, तो हमारे पास होगा, सॉरी किंग बोला था ना, सॉरी एस नहीं, किंग बोला था हमारे पास। तो किंग है हमारे पास 4 किंग है और एक किंग इसका भी है, तो हमारे पास बचे हुए इसके पास कितने, 12 पत्ते हो गए। या फिर इसको ऐसा समझे कि इसके हम 13 के 13 पत्ते ले लें, 13 पत्ते हो गए, और इसके अलावा किंग कितने हैं, इसके अलावा प्लस 3 किंग और हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 किंग्स हो गए, तो कितने हो गए, 16 हो गए। अब जिस भी तरीके से आप समझ लो, तो 13 पत्ते हमने ये ले लिए जिसमें ये तो काउंट ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद 1, 2 और 3 तीन किंग और है, तो हमारे पास हो गए टोटल इवेंट जो हमारे, या फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे हो गए 16, ठीक है। ये चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब ये फेवरेबल आउटकम अभी नहीं है हमारा, हम क्या चाहते हैं कि ये पत्ते नहीं होना चाहिए, ये पत्ते इन पत्तों में से कोई सा भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने होते हैं, मतलब इनके अलावा जो बचे हुए हैं उनमें से कोई भी पत्ता आ जाए ये ना आए, तो फेवरेबल आउटकम एक्चुअली हमारा क्या है, 52 में से अगर हम ये 16 पत्ते घटा दें तो बचे हुए जो पत्ते हैं उनमें से कोई भी आना चाहिए ना, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, या तो नंबर ऑफ इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे से मतलब ये नाइदर बोला था ना उसने कि इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने इन दोनों को गिन लिया और टोटल में से घटा दिया, तो बचे हुए में से कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फिर वापस से वही 52, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास हो जाएगा 36/52, तो इसको हम 4 से भाग दे सकते हैं, तो 9 बार जाएगा और ये 13 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/13। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आप फिर अब आगे कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ समझना कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, और आपको रियली वो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे किस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करता है और किस तरीके से परम्यूटेशन काम करता है, कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है, बड़ी सिंपल चीज़ है दोस्तों। अब आखिरी चीज़ है कलर्ड बॉल्स, ठीक है ना। कलर्ड बॉल्स में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि आप फिर वही कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से मोस्टली क्वेश्चन होते हैं इसके, तो ईजी क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, पर हमको अभी थोड़े टफ क्वेश्चन से ही चलना है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं क्वेश्चन अगर हम उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से ना करें तो। तो यहाँ उसने बोला कि अ बैग कंटेंस 4 ब्लू एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये तो बॉल निकलती हुई दिखाई गई है, यहाँ पे 4 ब्लू है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब वो अगर हमसे बोल दे कि अगर मैं एक ब्लू बॉल निकालूं, है ना, इफ़ वी ड्रॉ अ ब्लू बॉल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो ये हमारी ब्लू बॉल इस तरीके से बाहर निकल रही है। अब ये इन चारों में से कोई सी, मतलब इन बाकी की 6 बॉल में से कोई सी बॉल हो सकती थी, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम क्या बोलेंगे, हमारे पास है 6, क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल 6 है ना, तो इनमें से कोई सी भी 4 बॉल्स में से ब्लू बॉल्स, कोई सी भी ब्लू बॉल्स निकल सकती है और कोई सी भी ब्लैक बॉल निकल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया, टोटल बॉल्स को हम बोल देते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस, तो 6 बॉल्स हैं तो 6 सैंपल स्पेस हो गया, 50 बॉल होती है तो 50 सैंपल स्पेस होता, अलग अलग कलर की और 4 कलर की बॉल्स होती हैं तो उन सारे बॉल्स को जोड़ के हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से हम निकालना चाहते हैं ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल 4 हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, तो इन चारों में से कोई सी भी हो सकता है कि ये वाली ब्लू बॉल निकले, हो सकता है ये वाली ब्लू बॉल निकले, ये निकले या ये निकले, अगर हमारा फेवरेबल आउटकम आ रहा है, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम 4 तरीके से आ सकता है ना, तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, तो हम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर हमारा फेवरेबल आउटकम्स, या और
टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 4/6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखें और अब अगले वीडियो में आप क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। अभी हमने बेसिक से सारे क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक की सारी चीज़ें सीख ली हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत थी। और अब जो बाकी की बची जो चीज़ें थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी हैं वो आप क्वेश्चंस करते करते सीखेंगे समझेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में, आप कैट लेवल तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो सीरीज़ आप पूरी देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलतियां करते थे सीखने में। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज को प्रॉपरली सीखना बहुत जरूरी है, और हमने भी कभी ना कभी सीखी थी और हमने भी कभी ना कभी पढ़ी थी ये, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी जब पढ़ी थी। इसलिए आज मुझे लगता है कि नहीं यार, जो लोग डरते हैं वो गलत डरते हैं, प्रोबेबिलिटी इतनी कठिन चीज नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।